तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा सबसे बड़े एलईडी टीवी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ एलईडी टीवी मात्र 2499 रुपए। तो दोस्तों आज जैसे कि आपको बताया अभी लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम, फिर भी हम आपके लिए निकले हैं। कुछ जगह लॉकडाउन में कुछ ढील दे दी गई है, जहाँ पर कुछ दुकानें खुल ली हैं। हमें बुलाया गया है एक एलईडी की वीडियो शूट करने के लिए। एलईडी के डीलर हैं जिनका नाम है अरिहंत इन्फोटेक। तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे क्योंकि अभी कोरियर सुविधा चालू हो चुकी है। तो अगर आप चाहें तो एलईडी टीवी कोरियर के थ्रू मंगा सकते हैं, और उनका लैपटॉप का भी काम है, और आप चाहें तो लैपटॉप भी वहाँ से कोरियर के थ्रू मंगा सकते हैं। क्योंकि आजकल हर आदमी को घर बैठे एलईडी देखना है, न्यूज़ वगैरह देखना है, और लैपटॉप आप यूज़ कर सकते हैं। अपने बच्चों का जो काम आता है, होमवर्क वगैरह आता है, उसको आप लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि जो पढ़ाई होने वाली है वो इंटरनेट के थ्रू होने वाली है आने वाले तकरीबन एक दो महीने तक, जो सुना जा रहा है। तो मैं आज आपके लिए निकला हूँ, देखो लॉकडाउन में आपके लिए वीडियो शूट करने के लिए निकला हूँ एलईडी टीवी की। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और मैं पहुँच करके फिर आपको दिखाता हूँ कि आपको किस किस तरह के एलईडी टीवी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मुकेश भाई और हम दोनों आ चुके हैं। आप देख सकते हो हम आए अरिहंत इन्फोटेक, और आपको लेकर के हैं एक बहुत बड़े एलईडी के गोदाम में, जहां पर आपको लॉकडाउन के अंदर भी यहां पर आपकी पूरी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं विपुल भाई। और विपुल भाई क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल सिराज सैफी। तो दोस्तों सिराज सैफी की न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने देखा अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपके लिए एक वीडियो शूट कर रहे हैं, वो भी एलईडी टीवी की। तो लॉकडाउन के अंदर भी आपके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं हमारे विपुल भाई। तो बताएं विपुल भाई, हमारे व्यूअर्स को आप क्या देना चाहते हैं लॉकडाउन के अंदर? देखिए लॉकडाउन में जो है आपको पता ही है, जैसे कि अभी अलाउ नहीं किया है घर से बाहर निकलना या फिर व्यापार वगैरह के लिए शॉप वगैरह ओपन करना। बट जैसे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है कि आप कोरियर फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको कोरियर के माध्यम से अगर आपका एरिया जहाँ पर जिस जगह पर जहाँ तक कोरियर अवेलेबल है बिल्कुल, तो वहाँ तक हमारे विपुल भाई आपको कोरियर के थ्रू एलईडी टीवी भिजवा देंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसे एलईडी टीवी जिनकी क्वालिटी होगी बहुत ही बेस्ट। इनका खुद का ब्रांड है, एक बार अपने ब्रांड के बारे में बताएं। हमारा जो ब्रांड है वो क्रोमैक्स नाम से आता है, और हमारी क्वालिटी एक देखिए अलग सेगमेंट में है। हमारा अरिहंत इन्फोटेक का जो है एक अलग ही सेगमेंट होता है। एक प्राइस भी हम बहुत अच्छा दिया हुआ है, और क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी। आपको यहाँ पर सर्विस भी अच्छी मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको एलईडी टीवी दिखाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम 17 इंच से आगे ऊपर, इनके पास जितने भी मॉडल है सारे आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। बिल्कुल भाई, आज कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? तो जैसे ही देखिए सिराज भाई, आपको हमने पहले बताया कि हमारा जो मकसद है वो है कि जिनका लोएस्ट बजट भी है, भले ही उनका मान लो कम से कम बजट है, उनके घर में भी टीवी हो, और वो भी एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे प्राइस में। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं 17 इंच में आपके सामने टीवी है, अच्छा फुल वारंटी के साथ है, एक साल कंप्लीट वारंटी, और क्वालिटी आपने देख ली, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। मेन चीज है कि आपको इसमें वारंटी भी मिलती है, फुल एचडी क्वालिटी है, और प्राइस आपको जो मिलता है मात्र 2500 रुपए, यानी कि 2500 रुपए का हमें ये एलईडी मिल जाएगा, जिसका साइज है 17 इंच। बिल्कुल बिल्कुल, और बेस्ट क्वालिटी के साथ। बिल्कुल भाई, जैसे हम गारंटी वारंटी की बात करें तो उसकी क्या गारंटी वारंटी मिल जाएगी? गारंटी देखिए एक साल कंप्लीट हमारी वारंटी है। इसके कुछ अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो हम इसे किस किस चीज में यूज कर सकते हैं? कनेक्टिविटी की बात करें तो इसको आपको कैमरे में यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको कैमरे के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसको टीवी तो चला ही सकते हैं इसमें, ठीक है, कुछ लोग हैं इसको कंप्यूटर के तरह भी यूज करते हैं मॉनिटर वगैरह के लिए, और वो तो सारी कनेक्टिविटी है इसके अंदर। आप प्रॉपर जैसे मैंने अभी पेनड्राइव से चलाया हुआ है, कनेक्टिविटी प्रॉपर वीजीए एचडीएमआई 3 पिन आपको सारी मिलती है। इसी के बाद जो साइज हमारा आता है वो 19 इंच में आता है। तो सिराज भाई जैसे कि नेक्स्ट टीवी आपके सामने रखा हुआ है, और ये 19 इंच में है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा मॉडल चेंज हो गया आपका, स्पीकर वगैरह थोड़ा क्वालिटी थोड़ी स्पीकर की और अच्छी हो जाती है, साइज भी बड़ा हो गया। एक बार मैं आपको क्वालिटी देखिए, आपको क्वालिटी फुल एचडी आएगी, बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ। तो जैसे कि आपके सामने मैंने दिखाया, ये क्वालिटी भी अच्छी है, फुल एचडी है,
और जैसे कि वारंटी वगैरह, कनेक्टिविटी सेम आपका, आप इसको लैपटॉप मॉनिटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे में लगा सकते हैं, और टीवी तो आप देख ही सकते हैं, और बाकी साउंड वगैरह भी, साउंड की क्वालिटी भी हमने देखी है, बहुत ही अच्छा साउंड है, क्योंकि दोनों स्पीकर इसमें साइड में लगाए गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसके पैनल की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक जो प्लास्टिक का फ्रेम है वो भी लगाया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें कुछ कनेक्टिविटी हमारे भाइयों को बता दें, जैसे कि कुछ भाई हैं हमारे इसको पेन ड्राइव वगैरह चला सकते हैं। देखिए डायरेक्ट जैसे मैंने बताया इसमें मैंने यूएसबी पेन ड्राइव लगाई हुई है, ठीक है। बाकी आप एचडीएमआई पोर्ट भी है, एचडी केबल भी लगा सकते हैं, वीजे पोर्ट है, आप कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, और ये कैमरा या फिर सेटअप बॉक्स के लिए भी आप, इवन आप इसमें होम थिएटर वगैरह भी लगा सकते हैं, यानी ये सारी चीजें आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो 19 इंची का प्राइस क्या देने वाले हैं आप? 19 इंच का जो प्राइस है, प्राइस बहुत बढ़िया होने वाला है, प्राइस मात्र आपको जो मिलेगा 3000 रुपए में आपको 19 इंच का टीवी मिल जाएगा। तो जैसे कि विपुल भाई मैंने देखा ये आपने 24 इंच का टीवी जो स्टार्ट किया है, इसमें एंड्रॉइड लिखा है, ये स्मार्ट टीवी है? ये 24 इंच में स्मार्ट है। दूसरा जो इसी में नॉर्मल भी है, ये सेम आपका होता है जिसमें आपको एंड्रॉइड बेस नहीं मिलेगा, ठीक है जी, ठीक है। टीवी वगैरह कनेक्टिविटी मिलती है, ये स्मार्ट है, लुक बिल्कुल ऐसी होगी, आप देख सकते हैं इसमें फ्रेम जरा भी नहीं है, बहुत मामूली सी एक साइड दिखाई दे रही होगी आपको फ्रेम में, बहुत ही स्लिम एक टीवी होने वाला है आपका 24 इंच का। तो इसके बारे में कुछ बताएं, इसके फीचर्स के बारे में बताएं, यानी स्मार्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं जैसे आपको दिखा बता देता हूँ, नॉर्मल अभी हम जैसे हम दिखा रहे थे नॉर्मल में वही फंक्शन होते हैं। हाँ, स्मार्ट में जो है आपको ये एप्लीकेशन वगैरह कुछ मिल जाती है, एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे किसी भी तरह का आपको वाईफाई वगैरह कनेक्ट करना है तो नेटवर्क में जाके आपने वायरलेस में जाना है, और नेटवर्क जैसे आपको यहाँ पे है ना नेटवर्क दिखा रहा है, आप मोबाइल्स भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके यहाँ वाईफाई जो लगा हुआ है, यानी हम अपने मोबाइल को भी इस टीवी के अंदर चला सकते हैं, बिल्कुल। और सेकंड ये रहा एप्लीकेशन, जैसे मैंने ऐप्स में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, आज तक, ये सब एप्लीकेशन दी हुई है, इनको आप डायरेक्ट चला सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो इसका क्या प्राइस होने वाला है? अब मैं आपको देखिए प्राइसिंग की बताऊं तो इसी में अगर सबसे पहले हम बात करें 24 इंच में नॉर्मल, जो 24 इंच में नॉर्मल है वो आपको मिल जाती है मात्र 4500 रुपए में, ठीक है, यानी 24 इंच नॉर्मल 4500 रुपए मिल जाएगी आपको एक साल वारंटी के साथ। उसी में अगर आप स्मार्ट चाहते हैं जो कि आपके सामने लगा हुआ है, ये मिल जाएगा मात्र आपको 6500 रुपए में 24 इंची स्मार्ट मिल जाएगा। तो अच्छा रही बात जो प्राइस आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वालिटी दी जा रही है एक एलईडी टीवी की, ऐसी क्वालिटी जो आपको सालों साल तक चलने वाला टीवी यहाँ पर मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्रोडक्ट है वो आप 3-4 साल 5 साल भूल जाइए, आराम से चलता है। यानी कि आप यहाँ से टीवी ले रहे हैं ये सोच के ना लें कि आपको सिर्फ एक साल ही यूज करना है, सालों साल चलने वाला है, यानी कि आउट ऑफ वारंटी के बाद भी भैया आपके लिए कुछ ना कुछ करवा देंगे। अगर किसी की है आप एक साल की वारंटी जैसे हमारी तरफ से होती है, आपका सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपका खुद होता है, मेरे पास आइए, बहुत ही आप अगर मान लीजिए कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम उसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं, अगर हार्डवेयर रिलेटेड को चाहता है तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट 2-400 रुपए में आपका टीवी ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये हमारे, क्योंकि हमारा जो रिपेयरिंग का है वो खुद का है, थर्ड पार्टी हम नहीं करते, इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी में कई तरह के इश्यू होते हैं। भाई इसके बाद कौन सा साइज दिखाने वाले? इसके बाद जो हमारे पास है वो 32 इंच में आएगा, वो नॉर्मल स्मार्ट भी होगा दोनों चीज में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एलईडी टीवी का ढेर लगा हुआ है, इनकी सारी बाहर सारी ट्रांसपोर्ट सुविधा आपको मिलने वाली है, और हर जगह इनका माल यहाँ से जाता है, इस तरह से इनके यहाँ पर एलईडी टीवी आप देखेंगे, बहुत सारे एलईडी टीवी लगे हुए हैं। तो इसी में से एक 32 इंची का आपको इस ढेर में से 32 इंची का एक एलईडी टीवी अभी निकाल करके दिखाने वाले हैं। तो सिराज भाई जैसे कि आप देख सकते हैं 32 इंच का ये स्मार्ट में एलईडी टीवी है, एक बार मैं पैकिंग ओपन करके भी दिखा रहा हूँ आपके सामने। बॉक्स की पैकिंग बिल्कुल आपको ब्रांड वाली पैकिंग मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी पैकिंग है, आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसी तरह से आपको जो ये सारे टीवी है कोरियर में दिए जाएंगे करा करके, पैकिंग भी अच्छी मिलेगी। कोरियर में मैं आपको बता देता हूँ, दरअसल जैसे आपने देखा इसी के ना ये 3 पीस होते हैं, ठीक है, वो 3 पीस में हमारे जो मैं आपको दिखाऊंगा बाहर मास्टर रखा हुआ है, बॉक्स होता है, एक बॉक्स में 3 पीस ये रखे रहते हैं, आपस में स्क्रीन मिला के रखा जाता है, यानी कि इस तरह के जो कार्टून है आप एक ही बड़े कार्टून में 3 पीस डाल करके, हाँ, और तो उसको बबल वगैरह से पैक करके अच्छे से, तब वो कोरियर के लिए जाता है, यानी कि आपको ब्रेकेज होने का कोई झंझट ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो ये जो टीवी निकाला गया है अभी इसका साइज बताएंगे कुछ? ये 32 में स्मार्ट एलईडी टीवी है, ठीक है, इसी में हमारे पास नॉर्मल भी अवेलेबल है और स्मार्ट भी, ठीक है, तो नॉर्मल है, नॉर्मल की क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी मिलती है फुल एचडी, और स्मार्ट में भी। तो जैसे कि सिराज भाई देख सकते हैं आप सारे फंक्शन स्मार्ट वाले हैं, एप्लीकेशन में जाएंगे आपको हर तरह के एप्लीकेशन वगैरह जो है यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। और जैसे कि मैं बताया क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया मिली जाती है, अगर आप पेन अगर हम बात करें तो ब्रांड का क्या नाम होने वाला है? ब्रांड का हमारे क्रोमेक्स नाम से है, क्रोमेक्स नाम से आपका ब्रांड है अरिहंत का, ठीक है। और मैंने बताया ना आपको क्वालिटी हमारे यहाँ मेन चीज है, क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, एक बार मैं आपको वीडियो भी प्ले करके दिखा देता हूँ।
तो जैसे कि आपने क्वालिटी देखी थी, साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा, बात करें प्राइसिंग की, तो फुल एचडी क्वालिटी है और वारंटी के साथ है, तो इसमें आपको जो नॉर्मल मिलेगा वो मिलेगा मात्र 6500 रुपए में। आपको 32 इंच का नॉर्मल एलईडी टीवी मिल जाएगा फुल एचडी क्वालिटी के साथ, एक साल वारंटी। और जैसा ही आपके सामने चल रहा है स्मार्ट में, ये आपका जो है 8500 रुपए में आपको 32 इंच स्मार्ट एलईडी टीवी मिल जाएगा। यानी पूरा आपको एक प्रॉपर ब्रांड वाला टीवी यहाँ पर मिलने वाला है। अगर हम इसके बैक साइड की बात करें तो एक बार आप बैक साइड दिखा देंगे, कुछ कनेक्टिविटी हमारे भाइयों को थोड़ा पता चले इसमें पीछे आप क्या क्या अटैच कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के RJ45 के दिया हुआ है। ठीक है जी। ठीक है, इसमें दो HDMI भी है आपका। ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद आपको इधर देख सकते हैं USB भी दिया हुआ है, दो USB लगा सकते हैं। और इसके अंदर जो 3RC है, दोनों दिए गए वो सब है। ये बेसिक चीज है जो आपका हर टीवी में मिलता है आपको, वही कनेक्टिविटी है। तो सिराज भाई, जैसे कि आपके सामने 40 इंच में स्मार्ट एलईडी टीवी है, ठीक है ना, लेकिन 40 इंच में नॉर्मल अभी नहीं मिल पाता है, बिकॉज अब जो है सब स्मार्ट ही लेते हैं। ऑफिशियली सी बात है, अगर आप 40 इंच का एलईडी टीवी ले रहे हैं तो आप स्मार्ट टीवी लेंगे, नॉर्मल तो लेंगे नहीं। नॉर्मल भी मिल जाता है, लेकिन नॉर्मल आपको जो है वो प्राइसिंग लगभग सेम ही होता है, 1000 रुपए करीब का डिफरेंस आता है। अब बात करें हम इसकी, जैसे आपके सामने जो 40 इंच में स्मार्ट एलईडी टीवी रखा है, ठीक है, इसी में हमारे पास 40 इंच में वैरायटी काफी आ जाती है। अगर हम सबसे एक बेसिक मॉडल की बात करें जो फुल एचडी में अच्छी क्वालिटी के साथ आता है, वो आपको मात्र मिल जाएगा 12,500 रुपए। ठीक है जी, एक बार इसका वीडियो आप पिक्चर दिखा दें, पिक्चर क्वालिटी कैसी है इसकी। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी में आपको मिल जाता है। ये 4K वीडियो थी जो ये सपोर्ट करता है और चल भी रही है इसके अंदर। साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताएं। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बताया कि 40 इंच में वैरायटी हमारे पास मल्टीपल आ जाती है। बेसिक आपको 12,500 रुपए में, अभी आज के प्राइसिंग की बात करें तो 12,500 रुपए में आपको 40 इंच का स्मार्ट एलईडी मिल जाएगा फुल एचडी क्वालिटी के साथ। उसी के बाद नेक्स्ट जो हमारी क्वालिटी आती है, उसके बाद आती है साउंड बार में। जैसे कुछ लोगों को थोड़ा साउंड और बेस चाहिए उसमें थोड़ा सा, तो साउंड बार होता है। साउंड बार अगर आप लेते हैं तो करीबन उसमें 1500 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। अगर बात करें तो वो लगभग आपको 14,500 रुपए के आसपास मिल जाएगा, अगर आपको साउंड बार में चाहिए। कहने का मतलब है अगर हम 40 इंच के अंदर देखना चाहें तो काफी वैरायटी हमें मिलने वाली है। बिल्कुल, अलग अलग उसमें फीचर डिफरेंट आपका आता जाएगा साउंड का, और कुछ अलग कुछ लोग फीचर्स का। कुछ लोग जैसे इसमें होता है, इसमें ग्लास भी होता है, कहते हैं कि हमको डबल ग्लास में चाहिए, इसके ऊपर ग्लास होता है प्रोटेक्शन के लिए, तो वो भी मिल जाता है। उसमें लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 17,000 रुपए में आपको मिल जाता है। उसमें आपको साउंड बार प्लस आपको ऊपर से टफन ग्लास होता है, एक ग्लास लगा होता है जिससे आपकी स्किन की प्रोटेक्शन थोड़ी बढ़ जाती है। तो यानी कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी मिलने वाली है, वैरायटी बहुत मिल जाएगी। अगर बात करें इसमें हमारे पास 4K रेडी, अगर आपको वॉइस रिमोट के साथ चाहिए, इसी में वॉइस रिमोट के साथ भी मेरे पास मॉडल अवेलेबल है। यानी कि वॉइस रिमोट का मतलब हो गया, अगर आप रिमोट के अंदर कुछ बोलते हैं तो वो अपने आप एक ही रिमोट है, इसी के साथ एक रिमोट होता है, वो वॉइस रिमोट। आप देख सकते हैं रिमोट भी काफी इसका स्मार्ट होने वाला है और ये स्मार्ट टीवी होने वाला है। एक बार इसकी बैक साइड से आप कुछ इसकी कनेक्टिविटी दिखा देंगे, क्या कनेक्टिविटी आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, कनेक्टिविटी में बात करें तो ये देखिए आपको यहाँ पे सारी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे आपको वाईफाई का एंटीना भी मिल जाता है, यूएसबी पेन ड्राइव और 3RC के सारे सॉकेट प्लस HDMI की भी आपको इसमें पूरी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है 50 इंच का एलईडी टीवी का कार्टून। आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी पैकिंग के अंदर आपको यहाँ पर एक ये टीवी मिलने वाला है। अभी हम इस टीवी को बाहर निकालेंगे, यहाँ से देखो सिर्फ एक ही आदमी इसको बाहर निकाल सकता है। आप जैसे देख पा रहे हैं इसका रिमोट भी है, साथ में एक स्टैंड भी दिया गया है। अब इसे हम बाहर निकाल करके दिखाएंगे टीवी को, तो आप इसे बाहर निकालेंगे एक बार बॉक्स में से। इस तरह की पैकिंग आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आगे जो फ्रंट है, फ्रंट के लिए भी आपको इस तरह की प्रोटेक्टिव एक लेयर मिलती है जो आप जो इसकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। तो इसके बाद जैसे ये टीवी आप देख पा रहे हैं, इस तरह से टीवी बाहर आता है हमारा टीवी। काफी बड़ा 50 इंची का एलईडी टीवी होने वाला है और ये है 50 इंची एलईडी स्मार्ट टीवी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, ये 50 इंची का एलईडी टीवी बॉक्स से बाहर आ गया है। तो विपुल भाई, इसके बारे में कुछ बताएं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 50 इंच में स्मार्ट एलईडी टीवी है। हाँ जी। ठीक है, क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी आपके सामने चली रही है। अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो कनेक्टिविटी सारी आपको मिल जाती है। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग आपको मिल जाती है, आपको स्टार्टिंग प्राइस जो 50 इंच में हमारी है वो मिल जाएगी आपको मात्र 21,000 रुपए में। 21,000 रुपए में आपको 50 इंच स्टार्टिंग मॉडल मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास साउंड बूफर में और 4K मॉडल प्लस वॉइस रिमोट, इन सब के मॉडल भी अवेलेबल है। जैसे कि आपको साउंड बार में अगर जरूरत है तो वो मिलेगा मात्र आपको 23,500 में साउंड बार के साथ। अगर आपको विथ वॉइस रिमोट 4K, अगर आपको वॉइस रिमोट के साथ चाहिए और 4K भी चाहिए, तो वो आपको मात्र मिल जाएगा 27,000 रुपए में।
अच्छा जैसे मैं देख रहा हूँ विपुल भाई, 50 इंच का टीवी तो बहुत ही बड़ा साइज हो जाता है, अगर हम बात करें अदर ब्रांड में तो उसकी कीमत तकरीबन होती होगी 30 से 40 या 50 हजार के आसपास। नहीं आप कम बता रहे हैं, जैसे हम ब्रांड की बात करें, अगर सैमसंग, सोनी या ये अदर ब्रांड की बात करें तो 50 इंच में कोई भी मॉडल, उनका 50,000 से नीचे कोई मॉडल ही नहीं है, उससे ऊपर ही है। अदर बात करेंगे, देखिए अदर जो कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां हैं, तो उनका तो एक जैसे आप अदर लेते हैं ऐसी वो एक ही बात है। अगर ब्रांड में बात करते हैं तो सैमसंग, एलजी और सोनी आता है। ठीक है जी, अगर जैसे आपने बताया 50,000 से ऊपर अदर ब्रांड के अंदर होता है जो हमारे बड़े ब्रांड है, आपके पास स्टार्ट कहां से 50 इंच में? मेरे पास जो मैंने बताया आपको, मात्र 21,000 रुपए में आपको स्टार्टिंग मॉडल, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ मिलेगा। तो दोस्तों आपको यहां पर 50 इंच का एलईडी मिलने वाला है सिर्फ 21,000 रुपए का। आप यहां पर आकर के इस टीवी को खरीद सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, 65 से पहले हम आपको एक बार 55 इंच का और एलईडी टीवी दिखा देते हैं। तो बिल्कुल भाई बताएं इसके बारे में, ये स्मार्ट टीवी होने वाला है? ये 55 इंच में स्मार्ट एलईडी टीवी है। ठीक है, ये हमारा जो है, मैंने बताया था आपको कि हमारे पास रेंज काफी मिल जाएगी। 55 इंच में जो स्टार्टिंग मॉडल है हमारे पास, वो मात्र मिल जाता है आपको 27,500 रुपए में। ठीक है ना, बेसिक मॉडल आपको 27,500। उसके बाद हमारे पास आईपीएस पैनल प्योर 4K में भी है, जो कि आपका 31 का होता है। नेक्स्ट जो मॉडल होता है इसमें मेरे पास वॉइस रिमोट प्योर 4K, मतलब आपको 4K क्वालिटी भी मिलती है और वॉइस रिमोट के साथ, वो मिल जाएगा मात्र 35,000 रुपए में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको 55 इंची का बहुत ही बड़ा टीवी होने वाला है। इस तरह से ये टीवी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, मात्र स्टार्ट कितने से बताया आपने? स्टार्ट आपको 27,000 रुपए, सिर्फ 27,000 रुपए से, जिसे आप अदर किसी बड़े ब्रांड के अंदर लेते 50,000 रुपए से ऊपर मिलने वाला है। तो बिल्कुल भाई ये जो इतना बड़ा बॉक्स मैं देख रहा हूँ, ये कितने इंची का टीवी होने वाला है? ये 65 इंच में है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा बॉक्स है और इनके कहां तक आ रहा है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज है। और पैकिंग देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन आपको यहां पर पैकिंग मिलने वाली है, ताकि आपको ट्रांसपोर्ट के अंदर भी कोई परेशानी ना हो। इस तरह की आपको यहां पर ये पैकिंग मिल जाती है, स्क्रीन के आगे भी इस तरह का आपको यहां पर एक प्रोटेक्टिव कवर मिलता है, जैसे कि स्क्रीन ना टूटे। अब यहां से आप ये टीवी निकाल करके दिखाएंगे, देखो इस तरह से एक किट निकलती है रिमोट की, जिसमें रिमोट वगैरह होता है और जो आपका डिजिटल मैनुअल वगैरह, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। तो आप इस टीवी को एक बार बाहर निकाल करके दिखाएं, ये 65 इंची का टीवी की अनबॉक्सिंग होने वाली है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं इस तरह से, और बहुत ही बड़ा साइज होने वाला है टीवी का। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़े साइज का टीवी है 65 इंची। तो अभी इसको एक बार हम प्लग इन करके दिखाते हैं, चला करके दिखाते हैं। तो सिराज भाई जैसे आपके सामने है 65 इंच, हमने आपको अनबॉक्स करके दिखाया, आपके सामने लगा हुआ है 4K टीवी है, और ये भी आपका फुल्ली एंड्रॉइड बेस है, ठीक है, स्मार्ट है और 4K टीवी है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जैसे आप देख सकते हैं सब ऑनलाइन कंटेंट यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो भी इंटरनेट पे चलने वाली सारी चीजें होती है, न्यूज वगैरह और सारे यूट्यूब चैनल वगैरह यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। इस तरह से आप इसके अंदर सारी स्मार्ट चीजें यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और रही बात इसके प्राइस की, तो एक बार इस 65 इंच का प्राइस बताए और कुछ इसके फीचर्स या कनेक्टिविटी के बारे में बताए। 65 इंच में जो हमारे पास है, एक जो है हमारा स्टार्टिंग मॉडल है, वो हमारा मिल जाएगा आपको जो है 43,000 रुपए में आपको 65 इंच का स्मार्ट एलईडी मिल जाता है। ये जो आपके सामने मॉडल है, ये आपका प्योर 4K मॉडल है, जो कि अच्छी क्वालिटी और 2GB रैम के साथ है। ये दरअसल 2GB रैम के साथ है, यहाँ पर बॉक्स में भी इसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा, जो मैंने आपको 43 का बताया उसमें आपको ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बॉक्स में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा 2GB और 8GB मेमोरी है इसके अंदर। बिल्कुल, जो आपका 43 का प्राइस होता है, जो 43 का है उसमें आपको 1GB और 8GB रैम मिलती है। ठीक है, इसमें आपको ये 2GB रैम 8GB के साथ है, तो ये इसका प्राइस जो होता है 46,000 जी। इस तरह के सारे टीवी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये हमारे भाई हैं अरिहंत इंफोटेक से, विपुल भाई। बिल्कुल, अब मैं आपको छोटा सा मैसेज ये देना चाहूंगा, जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो भी बाहर से दिल्ली NCR से देख रहे हैं, देखिए अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, तो आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, एक टीवी भी आपके यहाँ डिलीवर हो जाएगा आपका एरिया, अगर हमारे सर्विस पिन कोड में अवेलेबल होगा, अगर सर्विस हो सकती है तो। ठीक है जी। बाकी जैसे ही आप पे लॉकडाउन खुलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, आके टीवी ले सकते हैं, सिंगल पीस भी आपके पास हम अवेलेबल है, दे सकते हैं आपको। और बाकी रही कोई दिक्कत है, जो भी व्यूअर्स है जो हमसे पहले ले चुके हैं, अगर उनकी भी कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर चालू है, कॉलिंग स्टाफ अभी भी कॉलिंग पे हमारा चालू है, और आप बात कर सकते हैं और हम पिक करके आपको सोल्यूशन दे सकते हैं, जो भी टीवी में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, कोई साइन इन नहीं हो पा रहा है, इस रिगार्डिंग। तो यानी कोई भी भाई कॉल करेगा तो उसे पूरा रिस्पॉन्स मिलने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ मेन चीज ये आपको आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार भेज दिया उसके बाद आपके फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारे यहाँ खास बात ये है कि आपको फोन कॉल सबका रिस्पॉन्स दिया जाता है, चाहे वो सेल से पहले हो या सेल के बाद। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर आपको चाहिए फर्स्ट कॉपी वॉचेस, ये जो आप मेरे हैंड्स के अंदर घड़ी देख रहे हैं, इस तरह की सारी वॉचेस आपको मिलेगी हमारे पास। आपको नीचे एक इंस्टाग्राम की आईडी मिलेगी, उस लिंक पर आप क्लिक करके वहां पे आपको एक फोन नंबर मिलेगा,
उस फोन नंबर पे कॉल करके आप अपनी कोई भी पसंद की वॉच मंगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा एलई टीवी की वीडियो अरिहंत इन्फोटेक, तो ये दिल्ली के अंदर पड़ता है। भैया आपको एक बार एड्रेस पूरा समझा देंगे, और वैसे भी जो हमने वीडियो शूट की है अभी लॉकडाउन के अंदर की है, सारे प्रिकॉशन लेकर के, जैसे भाई ने दस्ताने भी पहने हुए, इनका एक मास्क भी है जो ये लगा करके यहाँ तक आए हैं, और मेरा भी ये मास्क है जिसे मैं यूज करता हूँ। बाकी आप ऐसा ना सोचें, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं लॉकडाउन के अंदर ही बना रहे हैं, जो आपको हम दिखा रहे हैं ये सारी चीजें लॉकडाउन के अंदर है। प्लस आपको जो सर्विस दी जाएगी कोरियर पर, अगर आपके पिन कोड पर जो भी कोरियर सर्विस अवेलेबल है तो आपके घर तक एलई टीवी पहुंचा दिया जाएगा। विपुल भाई एक बार हमारे भाइयों को यहाँ का एड्रेस और बता दें, ताकि लॉकडाउन के बाद आपके पास यहाँ पर आ सके। देखिए जैसे सिंपल एड्रेस है हमारा, एड्रेस आपको मेंशन नीचे भी कर दिया जाएगा टेक्स्ट पे, जो हमारा अरिहंत इन्फोटेक के नियर बाय निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पड़ता है, ठीक है। और ये अपना विसावर ब्लॉक मार्केट है, उसके अंदर ही अवेलेबल है, प्लॉट नंबर 27A अरिहंत इन्फोटेक। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो दिए जाते हैं, आप ये चीज ध्यान रखना, सिराज भाई ने हमारी पहले भी वीडियो बनाई है, जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए उन पे ही कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि कुछ लोग हमारे नाम से नया कुछ बना के फ्रॉड भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने वीडियो को इस तरह से डाला है, नीचे अपनी डिटेल्स डाल दिए, या फिर गूगल पे पेज बना रखा है। यानी आप जो नंबर जो भी आप कॉल करते हैं आप एक बार पूछ सकते हैं कि आप, बिल्कुल जो सिराज भाई के, मैं जी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए नॉर्मली क्या सिराज भाई के जो डिटेल्स नीचे डालेंगे तो 100% है कि जो कॉन्टेक्ट नंबर होंगे वो वेरीफाइड नंबर होंगे, ठीक है जी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वही नंबर आप पे कॉल करें और वो नंबर बिल्कुल जेन्युइन, अदर नंबर हमारे कोई नहीं होते हैं। अगर आपको कोई नंबर, हाँ जी, अगर वैसे भी अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर अगर हम बात करें नियर बाय मेट्रो स्टेशन की, तो क्या पड़ जाएगा, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन होता है, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों आप यहाँ पर आ सकते हैं लॉकडाउन के बाद, जैसे ये लॉकडाउन खुलता है आप यहाँ से खुद आकर के एक टीवी देख करके ले आ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से होलसेल में भी अपने टीवी लेके जा सकते हैं। अगर आप अपना काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे प्राइस मिलने वाले हैं, इनके साथ जुड़ करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल सिराज सैफी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।